नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रदेश में एम्बुलेंस और कमर्शियल वाहनों में जीपीएस लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि ऑटो के अतिरिक्त 3 लाख से अधिक कमर्शियल वाहन हैं जिनमें जीपीएस लगाया जाएगा। हमने करीब करीब जैसे आपकी पैसेंजर बसेज है, कार टैक्सीज है, ऑटोज को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, कुल मिला के हमारे पास ऐसे 3 लाख के करीब कमर्शियल वाहन संभावित है जिनमें हम ये बिल्कुल परियोजना लागू करेंगे। खाली हम इसका मॉडल देख रहे हैं कि बैक एंड सर्विस सबसे अच्छी कौन दे सकता है, उसके बाद में वो आगे तक, जैसे हमने अभी 2 साल के लिए एक सेवा प्रदाता चयन करना है, तो ये एक चूँकि लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज जीपीएस लगाए और 2 साल बाद में वापस आप वहीं जीरो पे पहुंच जाए, तो इसको थॉटफुली प्लान कर रहे हैं। पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वी विल गो फॉर दैट और ये भी एक रियलिटी होगा। हमें कहीं ना कहीं ये पब्लिक के अंदर भी इंस्टिल करना होगा कि बाकी एजेंसी के लिए तो आप कितना भी ब्लेम करें, लेकिन जब आपका परिवार इफेक्ट होने वाला है, जो दुर्घटना होती है या जो उसके अंदर घायल या मृतक होता है या हमेशा के लिए डिसेबल भी हो जाते हैं, एक आस्पेक्ट ये है कि ये कोई इस तरह का फूल प्रूफ मैकेनिज्म हो जाए इसका, जिसमें कि QR कोड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ये मॉनिटर हो कि सच में अगर ये चारों तरफ रिफ्लेक्टिव टेप लगनी है तो वो लगी या नहीं, वो QR कोड से ट्रेस करने की इस योजना पे हम बहुत डीपली सीरियसली, इस पर भी हमने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रेजेंटेशन देखे हैं, तो वी विल एक्ट अपॉन दैट ऑल्सो।